मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग सदिश चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सदिश के विभिन्न प्रकार पर डिस्कस करेंगे। कल हमने सदिश और अदिश के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पर डिस्कस किया था, तो आज हम लोग सदिश के प्रकार पर डिस्कस करते हैं। तो सदिश का प्रकार, जिसमें से पहला प्रकार है शून्य सदिश। शून्य सदिश जीरो और नल वेक्टर, नाम से ही पता चलता है शून्य सदिश, यानी उसका जो परिमाण होगा वह शून्य होगा। अब मान लिया जब हम इस तरह से कोई रेखा खींचते हैं, या ये देखिए, ये कोई हम सदिश लिए तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो ये कुछ न कुछ तो परिमाण को दिखा रहा है, लेकिन शून्य सदिश में क्या होगा कि उसका परिमाण बिल्कुल शून्य होगा। तो शून्य होने का मतलब हुआ उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम पॉइंट होंगे। जैसे हम ए ही दे दिए तो ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही होगा, दोनों एक समान होगा यदि वह शून्य सदिश है। तो इसको वेक्टर जीरो, इसको पढ़ेंगे जीरो पर तीर है तो वेक्टर जीरो से सूचित किया जाता है। इसे प्रदर्शित करने वाले दिष्ट रेखा खंड के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको ए ए, वेक्टर बी बी, वेक्टर सी सी, डी डी लिखेंगे तो वेक्टर डी डी, इन सब से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है, दूसरा वेक्टर है एकक या इकाई या मात्रक सदिश। एकक, इकाई या फिर मात्रक सदिश, इसका अंग्रेजी हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, नाम से ही पता चलता है यूनिट माना एक, यानी जिस वेक्टर का परिमाण इकाई हो, एक हो, उसी को हम लोग मात्रक सदिश कहते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण एक मात्रक हो उसे एकक या मात्रक सदिश कहा जाता है। कोई सदिश वेक्टर ए को कोई सदिश वेक्टर ए मात्रक सदिश होंगे यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर एक। याद रखिएगा, जब हम लोग सवाल पर वर्क करेंगे तो वहां पर यदि सवाल के अंदर किसी वेक्टर के बारे में कह दे कि यह मात्रक सदिश है तो समझ जाइए कि उसका मॉड कितना होगा, एक होगा, ठीक है। तो मात्रक सदिश होने के लिए उसका जो मॉड होना चाहिए वो एक होना चाहिए। अब देखिए, सदिश वेक्टर ए के मात्रक सदिश को ये ए के ऊपर देख रहे हो, ए के ऊपर इस तरह से टोप पहना हुआ है, ए के ऊपर टोप पहना हुआ है। टोप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं, कैप मतलब टोपी, या फिर हैट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जो पढ़ेंगे, एक ऊपर जो पढ़ना हुआ है, इसको ए हैट बोल सकते हो या फिर ए कैप बोल सकते हो, ठीक है, या कैप ए या हैट ए, ठीक है। तो वेक्टर ए के मात्रक सदिश को कैप ए या हैट ए से सूचित किया जाता है, जहां कैप ए बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, किसी सदिश को इकाई सदिश के रूप में व्यक्त करने के लिए बोलेगा या मात्रक सदिश के रूप में व्यक्त करने के लिए बोलेगा, इस फॉर्मूला को यूज करना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्थिति सदिश, पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर, अब देखो भाई, कोई भी चीज कहां पर स्थित है इसका अंदाजा हम लोग तभी लगाते हैं जब किसी एक निश्चित बिंदु से उसका निर्धारण हो। जैसे हम बोलते हैं पटना कितना दूर है, अब हम कहां से बात कर रहे हैं, हम जहां से वीडियो बना रहे हैं, आप यदि ओरिजिनल में जानते हो तब तो बता दो कि चलो सर वहां से बात कर रहे हैं। अब हम कहीं से भी वीडियो बना दिए और आपके पास सिर्फ वीडियो पहुंचा, हम वहां पर पूछ रहे हैं पटना कितना दूर पर है, हो सकता है हम पटने में बना रहे हैं वीडियो तो वहां से दूरी कितना, वहां से दूरी तो शून्य हो गया। तो जो जहां का भी हम दूरी पूछेंगे उसके निर्धारण के लिए हमको एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, फिक्स पॉइंट होना चाहिए। तो उस पॉइंट के सापेक्ष हम किसी बिंदु का जब पोजिशन निकालेंगे, स्थिति व्यक्त करेंगे, तो उसी को हम लोग पोजिशन वेक्टर या फिर स्थिति सदिश कहेंगे। तो एक निश्चित निर्धारण जो होता है वह मूल बिंदु से होता है, कहां से होता है, मूल बिंदु। आप लोग मूल बिंदु पढ़ चुके हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं या लंबवत रूप से एक दूसरे को काटते हैं तो वह मूल बिंदु होता है।
तो मूल बिंदु के सापेक्ष यानी मूल बिंदु को देखते हुए यदि हम किसी बिंदु अदर बिंदु की स्थिति के बारे में व्यक्त करते हैं तो वह उसका स्थिति सदिश कहलाता है। समझ में आया? मतलब एक निश्चित बिंदु से, जैसे आपको हम पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं कि हम आपको पता है कि हम यहाँ पर सुल्तानगंज से पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुल्तानगंज से पटना का दूरी सर पूछ रहे हैं, तो आप बता ही दोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं कि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं तो और हम डायरेक्ट बोल दिए पटना का दूरी, तो आप कैसे बताओगे जब तक कि ये आपको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से किसी बिंदु की स्थिति को जब मूल बिंदु के देखते हुए मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है तो उस बिंदु को की स्थिति को हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यदि ओ मूल बिंदु हो तो ओ के सापेक्ष बिंदु पी की स्थिति को वेक्टर ओ पी से सूचित किया जाता है तथा इसे स्थिति सदिश कहा जाता है। इस प्रकार ओ बिंदु को मूल बिंदु मानकर अंतरिक्ष या वारिमा, वारिमा या अंतरिक्ष या स्पेस, स्पेस जब भी कहें, जब भी हम स्पेस का चर्चा कहें तो आप समझ जाइएगा कि पृथ्वी के सतह से ऊपर का बात कर रहा है, पृथ्वी के सतह से ऊपर, यानी कि 50-60 हजार किलोमीटर, बस सीधा सीधी पृथ्वी के सतह से ऊपर का बात हो तो समझ जाइए वो अंतरिक्ष, मतलब यहाँ पर अंतरिक्ष का यही मतलब है। तो ओ बिंदु को मूल बिंदु मानकर अंतरिक्ष या वारिमा में किसी बिंदु का स्थिति सदिश प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। समदिश सदिश या लाइक वेक्टर, समदिश सदिश नाम से पता चलता है, समदिश समान दिशा, लाइक मतलब उसी के जैसा, मतलब वैसा सदिश जिसका दिशा समान हो या जिसकी अभिदिशा समान हो उसे हम लोग समदिश सदिश कहते हैं। बराबर नहीं, दिशा केवल समान होना चाहिए, बाकी बड़ा या छोटा से कोई मतलब नहीं है, दिशा समान होना चाहिए। वे सदिश जिनकी अभिदिशा एक ही हो उसे समदिश सदिश कहा जाता है। देखिए वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी दो लिए हैं, वेक्टर ए बी को शॉर्ट नाम दे दिया वेक्टर ए और वेक्टर सी डी का शॉर्ट नाम दे दिया वेक्टर बी। तो यहां देखो दोनों का दिशा, इसका अभिदिशा उस तरफ है, इसका अभिदिशा उसी तरफ है, दोनों का दिशा एक समान है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कौन सा सदिश हो गया, समदिश सदिश हो गया। तो यहाँ वेक्टर ए बराबर ए बी बराबर वेक्टर ए और वेक्टर सी डी बराबर वेक्टर बी की दिशा एक ही है, अतः वेक्टर ए एवं वेक्टर बी समदिश सदिश है। यदि दिशा उस तरफ नहीं रह करके एक का दिशा इधर रहता है, एक का उधर एक का इधर, तो दोनों का दिशा अलग अलग है तो ये कहलाता अन असमदिश सदिश यानी अनलाइक वेक्टर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, असंरेख सदिश, सॉरी असमदिश सदिश, नाम से ही पता चलता है, इससे पिछला था समदिश और यह असमदिश यानी इसमें जो है दिशा समान नहीं होगा। तो वे सदिश जिनकी अभी दिशाएं विपरीत हो उसे असमदिश सदिश कहा जाता है। जैसे आप देखो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी में ए बी का दिशा उस तरफ है और सी डी का दिशा इस तरफ है, तो दोनों एक बायां जा रहा है एक दायां जा रहा है, दोनों का दिशा विपरीत है, तो इसलिए यहाँ वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए एवं वेक्टर सी डी बराबर वेक्टर बी की दिशाएं विपरीत हैं, अतः वेक्टर ए एवं वेक्टर बी असमदिश सदिश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, समान सदिश, समान सदिश तो नाम से ही पता चलता है समान बना बराबर, तो दिशा एक होने से समान नहीं कहलाएगा,
ये नहीं कि दिशा एक हो गया तो वो समान सदिश कहलाएगा, नहीं, दिशा सेम है तो वो समदिश सदिश, दिशा विपरीत है तो वह असमदिश सदिश। लेकिन समान सदिश में दो चीज समान होना चाहिए, एक दिशा समान होना चाहिए और उसका परिमाण भी समान होना चाहिए। तो दो वेक्टर, दो सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान हो। परिमाण यानी नापने पर भी लंबाई समान हो और साथ साथ दिशा एक के हो, सेम हो। इसे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिखा जाता है। इसको हम लोग वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर। आदि का मतलब होता है शुरुआत। आप लोग विपरीतार्थक शब्द सुने होंगे, आदि का उल्टा अंत, तो आदि मना शुरुआत। तो नाम से पता चलता है सह आदिम यानी सह मना साथ, आदि मना शुरुआत करने वाला, एक साथ शुरुआत करने वाला, ठीक है, एक ही जगह से शुरुआत करने वाला जो सदिश होता है उसी को हम लोग सह आदिम सदिश कहते हैं। तो दो या दो से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो उसे सह आदिम सदिश कहा जाता है। आप इसको एग्जांपल से समझिए। देखिए यहाँ पर हम तीन रेखा खींचे हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट और ऊपर तीन वो खींचे हैं, तो तीनों जो है वो शुरू हो रहा है आपका यहां से, यहां से ये बी तरफ जा रहा है, यहां से ये सी तरफ जा रहा है, ये ऊपर ए के तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ए बी और सी का शुरुआत सेम बिंदु से है, तो यह क्या कहलाया, सह आदिम कहलाया। अब मान लिया जाए ऐसे हम एक इसमें एड करते हैं, मान लिया जाए ऐसे एक तीर, ऐसे एक लाइन दिए यहां पर, इस तरह से इसका नाम डी दे दिया, मान लिया जाए। अब आपसे पूछेंगे क्या ए बी सी डी सह आदिम है? बिल्कुल है, क्योंकि यह जो है ए बी सी डी चारों इसी बिंदु से शुरू होता है। अब मान लिया जाए ऐसा दिए, यहां तीर ऐसे दे दिए, ठीक है, डी में तीर ऐसे दे दिए। अब देखो तो सह आदिम है। अब ए बी सी सह आदिम है, डी नहीं है, क्योंकि डी का शुरुआत यहां से, देखो यहां से यह ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से यह ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बात अलग है कि इसके साथ मिलता है, लेकिन डी सह आदिम नहीं है। डी केवल मिलता है लेकिन डी का शुरुआत जस्ट उसके नीचे से हुआ है। समझ में आया बात? तो अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम अपने मन से एक्स्ट्रा समझाने के लिए डाले थे। समझ में आया बात? तो ए बी और सी यहीं से शुरू होकर के सब दिशा अलग अलग जा रहा है, तो ए बी सी तीनों क्या कहलाया, सह आदिम सदिश। अतः ए बी एवं सी सह आदिम सदिश है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। संरेख जिसको हम लोग समरेख भी बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर, नाम से पता चलता है समरेख यानी समान रेखा पर स्थित होना, एक ही रेखा पर स्थित होना। आप लोग ये समरेख शब्द जो है वो प्रीवियस क्लास में पढ़ करके आए, चाहे टेंथ में हो चाहे अलेवेंथ में हो। तो समरेख का क्या मतलब आप पढ़ करके आए हैं कि जब दो तीन बिंदु यदि एक के सीधा में है तो समरेख कहलाएगा, तीन बिंदु जब एक ही सीधा में है तो वो समरेख कहलाएगा, एक सीधा में नहीं है तो वो समरेख कहलाएगा। तो यहां भी संरेख का यही मीनिंग है कि वह एक ही रेखा पर होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है एक थोड़ा सा चीज और आपको याद रखना है संरेख के स्थिति में, कि इसमें जो है एक रेखा के साथ साथ यदि समांतर वाला भी पोजीशन आए, एक रेखा के साथ साथ यदि समांतर वाला भी पोजीशन आए तो वह संरेख कहलाएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझिए। तो इसमें पहले पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक सदिश जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही हो यानी एक ही रेखा पर स्थित हो, अथवा देखो ये एक नया शब्द जुट गया, एक ही संरेख का मतलब अभी तक हम लोग यही समझते थे एक सीधा में होना, है ना। वेक्टर से यदि अदर यदि पढ़ते तो इसका मतलब एक सीधा में, लेकिन वेक्टर में संरेख का थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है कि एक क्रिया रेखा एक ही हो यानी एक ही रेखा पर स्थित होने के साथ साथ ये भी हो, अथवा एक ही रेखा के समांतर हो तो उसे संरेख सदिश कहा जाता है। आप चित्र को अच्छे से समझो, देखो ए बी, ए बी तो खैर क्रिया रेखा एक के है, एक के रेखा पर न है ये, देखो भले रेखा का दिशा विपरीत है लेकिन ये एक सीधा में है,
या कैसे है, एक सीधावे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक रेखा में काम कर रहा है, यहाँ पर क्रिया रेखा समान हुआ तो ए और बी ये तो संरेख हुआ ही हुआ, साथ ही साथ इसके समांतर देखो ये डी आपको नजर आ रहा है ना, ये इसके समांतर कौन है, डी है। अब सी के बारे में सोचिएगा तो सी तो समांतर कहाँ है, सी तो ऊपर के तरफ जा रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब है ए बी और डी ये तीनों कौन सा रेखा है, यह संरेख है, कौन सा वेक्टर है, संरेख वेक्टर है। हाँ, यदि इसमें जो है यदि हम लोग बात करें ऊपर वाला पॉइंट सह आदिम का, तो ए बी और सी सह आदिम कहलाएगा, ए बी और सी क्या कहलाएगा, सह आदिम, क्योंकि इसका शुरुआत यहीं से हुआ है। यदि हम इसमें ऐसे दे दें, ये दोनों तरफ तीर नहीं होगा, कोई एक ही तरफ तीर होगा, इस तरह से दे दें, तो हम पूछेंगे सह आदिम कौन कौन सा है, तो सह आदिम कौन कौन बोलिएगा, यहाँ से देखो दो बिंदु का शुरुआत ए बी, ए और बी सह आदिम है, साथ ही साथ यहाँ से भी दो बिंदु का शुरुआत है, एक डी और एक सी, तो यहाँ पर डी और सी सह आदिम है, ठीक है। वैसे ये हम लोग संरेख के बारे में लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर संरेख के बारे में ही हम डिस्कस किए, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको इस तरह का आकृति रहेगा, तो आपको हम ये समझा दिए कि इसमें भी सह आदिम हो सकता है, इसमें ए और बी सह आदिम हुआ, सी और डी अलग अलग सह आदिम हुआ, और यदि यह तीर का निशान ऊपर के तरफ हो तो सह आदिम हो गया ए बी और सी सह आदिम, और संरेख तो आप देख ही रहे हो ए बी और डी संरेख है। समझ में आया, एक पोजीशन और इसमें हम लिख देते हैं, वो जो है एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाता है, और आगे भी जब आपको संरेख से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे तो वह चीज निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दो सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी समरेख होंगे यदि वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी अथवा वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए, जहां लैम्डा एक अदिश राशि है, जहां लैम्डा एक अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब कोई संख्या समझिएगा, मतलब ए और बी के बीच यदि कोई गुणात्मक संबंध प्राप्त होता है, ए बराबर लैम्डा बी, लैम्डा की जगह पांच दे दिया वेक्टर ए बराबर पांच वेक्टर बी, तो एक गुणात्मक संबंध यदि हो जाए दो सदिश के बीच, तो दोनों सदिश एक दूसरे के संरेख कहलाएंगे। समझ में आ गया बात, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए ठीक है इसको मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विपरीत या ऋणात्मक सदिश, विपरीत या ऋणात्मक सदिश, अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है। आपको यह अध्ययन होगा, हम एक सदिश पर बताए थे जिसमें था समान सदिश, उसमें दिशा भी समान परिमाण भी समान। एक सदिश बताए थे आपको संरेख सदिश, सॉरी एक सदिश बताए थे आपको समदिश सदिश, जिसमें दिशा समान होता था, परिमाण से कोई मतलब नहीं था उसमें। एक था असमदिश सदिश, उसमें दिशा समान नहीं होता था, दिशा समान नहीं होता था, उसका परिमाण चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन ये जो विपरीत या ऋणात्मक सदिश है, इसमें दिशा विपरीत होगा, दिशा क्या होगा, विपरीत होगा, लेकिन उसका परिमाण समान होगा। जैसे हम इस तरह से देते हैं, एक सदिश हमारा उधर जा रहा है, एक सदिश इधर जा रहा है,
दोनों का लंबाई यदि समान हो, दोनों का लेंथ समान हो, दिशा विपरीत हो, तो उसको जो है हम लोग बोलेंगे विपरीत सदिश या फिर ऋणात्मक सदिश। देखिए ऐसे ऋणात्मक सदिश के बारे में कि यदि एक सदिश जिसका परिमाण किसी दिए गए सदिश के समान हो परंतु दिशा विपरीत हो तो वह सदिश दिए गए सदिश का ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाता है। सदिश वेक्टर ए बी का ऋणात्मक या विपरीत सदिश वेक्टर बी ए होगा। तो ए बी का उल्टा बी ए, ए बी का उल्टा बी ए, बी ए होगा। इस स्थिति में वेक्टर ए बी बराबर माइनस वेक्टर बी ए, इसको आप किसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे पी क्यू लिखते हैं तो माइनस क्यू पी लिखेंगे, आर एस लिखते हैं तो माइनस एस आर लिखेंगे, पी एम लिखते हैं तो माइनस एम पी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और अति आ जाता है कि जैसे ए बी प्लस बी ए वेक्टर में दिया है तो रिजल्ट क्या होगा, शून्य होगा। ए बी प्लस बी ए बराबर शून्य, इसी में देखो बी ए माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ए बी बराबर बी ए। ऐसे जनरल यदि वेक्टर नहीं रहता, इस तरह से रहता तो इसको लिखते हैं टू ए बी या टू बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि यह वेक्टर का चिन्ह है तो ये सेम है, उसका विपरीत है, इस दोनों का योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको आप ऑब्जेक्टिव के तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। समतलीय सदिश को प्लानर वेक्टर, एक प्लान यानी समतल, को प्लानर यानी समतल, एक तल दिया गया है, तो तीन या तीन से अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं यदि यदि वह एक दिए गए समतल के समांतर हो। यानी समतलीय के लिए तीन या तीन से अधिक सदिश को समतलीय कहा जाएगा जब वह किसी एक तल के समांतर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। अब ये हो गया आपको दस गो याद रखना है सदिश के प्रकार में से। अब आते हैं समकोणीय मात्रक सदिश। समकोणीय मात्रक सदिश, ये सदिश का टाइप्स नहीं है, ये एक डेफिनेशन है जिसको याद रखना है, और इस चैप्टर के व्यू से सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है ये समकोणीय मात्रक सदिश, क्योंकि हम जब सवाल पढ़ाएंगे तो अक्सर इसका यूज होगा। तो यदि एक समतल में बिंदु ओ समकोणीय नियामक का मूल हो, तो मूल बिंदु तो आप जानते करते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां काटेगा वो मूल बिंदु हो गया, और इसमें एक और अक्ष हो जाएगा जड अक्ष, एक और अक्ष हो जाएगा जड अक्ष, तो तीन अक्ष उसका मूल बिंदु जो है वह ओ है, हाँ, और तीन परस्पर लंबवत रेखाएं ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जड क्रमशः एक्स वाई जड अक्ष को प्रदर्शित करे, तो वेक्टर आई जे एवं के, ये वैसे कैप में लिए हैं, कैप आई कैप जे एवं कैप के को क्रमशः एक्स अक्ष वाई अक्ष एवं जड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश कहा जाता है। इसे समकोणीय मात्रक सदिश भी कहते हैं, क्योंकि ये मात्रक सदिश है इसके लिए इसका मॉड एक होगा, तो मॉड आई बराबर मॉड जे बराबर मॉड के, इसका मान कितना होगा, एक होगा। देखिए इसको चित्र में प्रदर्शित किए हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष जड अक्ष, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, इसके लिए टेंशन विशेष लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया, उसे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक्स ये एक्स वाई जेड, ऐसा भी हो सकता है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जो एनसीईआरटी में मेनली दिया गया है वो इस तरह का नोटेशन दिया गया है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा एक्स वाई और जेड। इसमें देखिए आई जे और के, तो आई जे के यह एक मात्रक हुआ, मात्रक मतलब एक मात्रा चला। यदि हम टू आई लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि एक्स अक्ष पर कोई आदमी दो कदम चला, दो मात्रक चला, दो कदम का मतलब, दो मात्रक का मतलब दो मीटर चले, दो किलोमीटर चले, कुछ चले, लेकिन यह आई अक्ष पर दो चला। यदि हम लिखते हैं थ्री आई, ये थ्री जे लिखते हैं, इससे आप समझ जाइए कि कोई व्यक्ति वाई अक्ष पर तीन मीटर का दूरी तय किया, तीन किलोमीटर का दूरी तय किया, तीन जे का मतलब यही हो गया, ठीक है।
उसी तरह से के भी लिखते हैं पांच के, तो ये समझ जाइए यह जड़ अक्ष पर पांच किलोमीटर का दूरी तय किया, पांच मीटर का दूरी तय किया, कुछ भी करे के जब भी उसके साथ है इसका मतलब वह जड़ अक्ष पर चला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, समकोणीय मात्रक सदिश। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस किए मुख्य रूप से सदिश के प्रकार पर, इसका आप लोग एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।